लाला सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ये बताइएगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान से मिल रहे हैं, पाकिस्तान की यूथ से मिल रहे हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर से मिल रहे हैं। आज कितने बजे उठे सुबह को? सुबह 2-2.5 बजे सोते हैं, थकावट की वजह से नींद नहीं आती है, एंड देन फिर सुबह जल्दी उठते हैं। और खाने में क्या खाया सुबह नाश्ता? पेट खराब है, पूरा आपके पंजाब का खाना खा के पेट खराब खा रहा हूँ, बहुत कम खा रहा हूँ आज सुबह, दही और केला। दैट्स इट, नो चाय नो कॉफी? नो नो चाय नो कॉफी, कॉफी में भी आफ्टर इनके साथ अगर ये पिलाएंगे तो। अच्छा ये बताएं पेशावर या कराची? दोनों दोनों। अच्छा ये बताएं आपके 11 बहन और भाई हैं, किसके साथ बनती है? किसके साथ बनती है? मैं सबके साथ इक्वल हूँ, इसलिए ये बड़ों को रोल अदा करना पड़ता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। आप सबसे बड़े? नहीं मुझसे बड़े भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बड़े ही बड़ों का रोल अदा करें। लाला कॉफी मिली? कॉफी मिली? कॉफी पिलाए ना, ब्लैक कॉफी। थक गए अभी दम है? मेरे ख्याल में लोगों की वजह से थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, और कह सकते हैं कि इनका प्यार इनकी सपोर्ट थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करता हूँ। ऐसा लगता है जब इतना शोर बचता है आपके ग्राउंड में, भी शोर ही मचता है, यहाँ क्रिकेट खेली नहीं होती, ज्यादा प्रेशर नहीं होता। ऊपर आ गई लाला, अहमद शहजाद या इमाद वसीम ज्यादा अच्छी सेल्फी कौन लेता है? अहमद शहजाद या इमाद वसीम ज्यादा अच्छी सेल्फी कौन लेता है? दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों अगर सेल्फी लें तो दोनों अच्छे लगते हैं। लाला आप तो बहुत थक गए होंगे, थकावट आपका रहा है। इतनी क्रिकेट खेली है, थकावट नहीं होने देता अपने आप को, और कॉज ऐसा इस कॉज के लिए आई थिंक कि जिस तरह पहले भी आपसे मैंने बात की थी कि यूथ को साथ लेके चलना है, और यूथ को देख के काफ़ी एनर्जेटिक फील करता हूँ फिर उसके बाद। अच्छा पहले थोड़ी क्रिकेट की बातें करते हैं जी। आपको लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे बैट्समैन हैं या बॉलर? मैं आई थिंक कि जो अगर कंसिस्टेंसी देखी जाए तो फिर बॉलिंग में बहुत ज़्यादा थी मेरी,
कंटिन्यू था, तीन साल चार साल पाकिस्तान के लिए सबसे टॉप बॉलिंग परफॉर्मेंसेज रही है, एंड देन फिर बैटिंग वंस इन अ ब्लू मून वाली बात होती थी। रिटायरमेंट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को मिस करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना खेलना था ज़बरदस्त तरीके से खेली है क्रिकेट मैंने, और मेरे ख्याल में हर एक चीज़ का अपना एक टाइम होता है। क्या सरफराज से कैप्टेंसी लेना अच्छा डिसीजन था? आई थिंक देखिए, सरफराज ने नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसने टॉप T20 की टीम को ऊपर नंबर पे लेके, एंड देन चैम्पियंस ट्रॉफी भी जितवाई उसकी कप्तानी में। होता है, ऐसा वक्त आ जाता है, ज़रूरी नहीं कि सारी ज़िंदगी इंसान कप्तान बन के पाकिस्तान के लिए खेलता रहे, और ये एक चैलेंज के तौर पे ले सकते हैं, लाइफ के अंदर आते हैं, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट है, अपने आप को परफॉर्म करे, दिखाए और वापस आए टीम में। अच्छा, वन वर्ड फॉर DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर। आसिफ भाई से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है, और आसिफ भाई इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह, और इज अ पैट्रियोटिक मैन, और ऐसे लोग होने चाहिए, और जितना अच्छा इंटरेक्शन उनका पब्लिक के साथ होता है तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। आपने कहा कि अगर आप पर कोई फिल्म बने तो यू वांट टॉम क्रूज टू प्ले यू, पाकिस्तानी एक्टर्स में किसी को चूज करेंगे? थोड़ा सा लुक मिलता नहीं उसके साथ हल्का झुलका? मिलता तो है। आजा प्लीज, आजा। अच्छा ये बताएं, सुबह नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं? सुबह नाश्ते में वैसे मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन सुबह का नाश्ता शहद से शुरू करता हूँ, अजवा खजूर, एंड देन बॉइल्ड एग, बनानास एंड ब्लैक कॉफी। क्या आप भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं? अभी तक तो कोई ऐसा डिसीजन मतलब कोई ऐसा मशवरा नहीं मिला, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सियासतदानों का काम है वो कर रहा हूँ मैं। अच्छा, दो तीन कंट्रोवर्शियल सवाल। बॉल को बाइट करने वाला इंसिडेंट बड़ा मशहूर है आपका जी, आप कभी देखकर सोचते हैं कि यार मैंने क्या किया? बहुत बड़ी गलती की है मैंने। फेवरेट क्रिकेटर आपका कौन है? क्रिकेटर ऑब्वियसली इमरान भाई को देख के क्रिकेट शुरू की है मैंने, और बाकी हैं इसके अलावा बड़े नाम है जिनके साथ क्रिकेट एज अ अपोजिशन भी खेलते रहे, सचिन बहुत बड़ा नाम, मैगरा, वसीम भाई, इनजी भाई, ये वो लोग हैं जो बड़े नाम हैं। फेवरेट सॉन्ग गुनगुना के सुनाना पड़ेगा। गुनगुनाना तो मुझे बिल्कुल, मैं बाथरूम में नहीं गुनगुनाता, जो हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। फेवरेट एक्ट्रेस? उस दौर में जब मूवीज ज़्यादा शौक से देखा करते थे, काजोल, इसके अलावा फिर आपकी माधुरी, ऐसा है अच्छे थे उस वक्त, लेकिन कोई एक नहीं। एक और कंट्रोवर्शियल सवाल, अल्लाह खैर, आपने ये भी कहा है कि आप अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स नहीं खेलने देंगे, जिसके बाद आपको काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्या लड़कियों को स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहिए? खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए। मेरे ख्याल में मैं जितना भी होता है मैं अपनी बेटियों के साथ सारे इंडोर्स गेम खेलता हूँ। अगर आपकी बेटी आपसे बड़ियों के कहे कि बाबा मैं आपकी तरह क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, तो आप क्या कहेंगे? अगर क्रिकेटर बनना होता उन्होंने तो वो शुरू से ही उस चीज़ को लेके चलते ना, 10 साल 11 साल की उम्र में, 19 20 साल की उम्र में तो अचानक जहन चेंज नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में मेरा काम है उनको सही रास्ता दिखाना एज अ पेरेंट, और मेरे ख्याल में उनके क्रिकेटर के अलावा भी और कुछ और उनकी लाइफ में है जो वो बनना चाहते हैं। नवाज, मौलाना फजल रहमान या जरदारी साहब? देखिए, मैं सच बताऊँ तो मैं चाहता हूँ कि सब मिलके काम करें, ये इतना इजी नहीं है कि कोई एक पार्टी इस मुल्क को लेके चले, इतने इश्यूज हैं, जब तक हम मिलेंगे नहीं, एक नहीं होंगे, अब हर इशू को अपना इशू नहीं समझेंगे, हम इसी तरह स्ट्रगल करेंगे। मरियम या बिलावल? बिलावल अगर अपने माँ के नक्श कदम पे चले तो मैं, मेरी सपोर्ट हमेशा उनको रहेगी, और मरियम सियासत सीख रही हैं वो, और सीखना चाहिए, इसलिए कि अभी मेरे ख्याल में उन्होंने एक कदम रखा है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। इमरान इज प्राइम मिनिस्टर या इमरान द क्रिकेटर? इमरान भाई, उनकी क्रिकेट की अपनी लाइफ थी, उन्होंने जो अचीव करना था बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अचीव किया है, और जब से वो बने तो मैं ये फील करता हूँ कि इमरान भाई को एटलीस्ट 2 साल लाजमी देने चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में भी कोई 1.25 साल या 1.5 साल हुआ है, उनको पूरा 2 साल देना चाहिए, जो रिजल्ट हों उसके बाद फिर आने चाहिए। फेवरेट एंकर कौन है आपका? सिर्फ एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं, 3-4 हैं। रोड टू एजुकेशन के बारे में थोड़ी बात करते हैं, हाउ सक्सेसफुल डू यू थिंक कि अभी तक चल पड़ा है, कितना सक्सेसफुल रहा है? देखिए, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इस चीज़ का क्रेडिट जीशान अफजल को दूंगा, मेरा ग्लोबल CEO, आई थिंक मेरा जो ख्वाब था उसके साथ मैंने शेयर किया है, उसको किस तरह उस ख्वाब की ताबीर होनी चाहिए उसके लिए जीशान अपनी पूरी टीम के साथ चला, और जिस तरीके से उस
बंदे ने काम किया और ये 10-11 दिन हमारे गुजरे हैं अभी तक, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है उसकी। कुछ ऐसे लोग आपके साथ होने चाहिए जो आपके ख्वाब को हकीकत में लेके आए, तो आई एम वेरी लकी कि ज़िशान मेरे साथ ऑन बोर्ड है इसमें। मकसद एक ही है हमारा, मुश्किल सफ़र, काफ़ी पेशेंट रखना पड़ा इसलिए कि लोगों के बीच में उतरना और 11 दिन के अंदर आई डोंट नो कितनी यूनिवर्सिटीज़ और अराउंड कोई 1.5-2 लाख लोगों से मिला। बड़ा कॉज है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का पंजाब का रिस्पांस रहा है, आउटस्टैंडिंग, ये मतलब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा, जो इस सपोर्ट पूरी यूथ की तरफ से आई मुझे। आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान में लड़कियों को तालीम देना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, ज़्यादातर हमारे पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गया, लड़कियाँ पढ़ रही हैं ज़्यादातर मुझे नज़र आई हैं, बल्कि सियालकोट में मैं समझता हूँ कि 54-55% लड़कियाँ वहाँ पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुझे नज़र आई हैं। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, एक पढ़ी लिखी माँ एक कौम को लेके चलती है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ के अंदर ये इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं और इंशाल्लाह हम फैमिली से मिल रहे हैं, उन फैमिली से मिल रहे हैं जो नहीं समझते कि बेटियों को स्कूल जाना चाहिए, तो उनसे काफ़ी उनको बताना पड़ता है कि क्या फ़ायदे हैं इन चीज़ के। ऑब्वियसली हमारे ऐसे शहर हैं, ऐसे गांव हैं जहां वाईफाई पहले पहुंच गया, एजुकेशन नहीं पहुंची, जो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्टेट के ऊपर आती है कि इन चीज़ों को पहले एड्रेस करें। मॉर्निंग शोज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? मॉर्निंग शोज़ अगर तरीके और तमीज़ वाले हों अच्छा लगता है, इन्जॉय करते हैं, बंदा देखता है, लेकिन कुछ अब मॉर्निंग शोज़ मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो बिल्कुल ही मतलब देखने के काबिल नहीं होते, सुबह सुबह शोर शराबा लगाया हुआ होता है फजूल का। मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में आपका क्या ख्याल है? मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में मेरा क्या ख्याल है, अभी तक तो फ़िलहाल वो एजुकेशन के हवाले से उन्होंने जो एक मैसेज दुनिया में गया वो गए और आई थिंक शी इज़ डूइंग वेल, अगर तरीके से चले और चीज़ों को लेके चले। अच्छा ये बताएं कि बैक टू क्रिकेट, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, फिर हमें जाना है, मुझे पता है बहुत बिजी हैं। वो ऐसा शख्स जिसके साथ आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और खेला नहीं अभी तक? इमरान भाई। ये यूट्यूब चैनल का इतना बड़ा जो चर्चा चलता है, क्रिकेटर्स काफ़ी शुरू भी कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं कोई भी इस तरह की चीज़ करता हूँ जिससे मैं समझता हूँ कि थोड़े बहुत पैसे बन जाते हैं, मैंने कोई इसको कारोबार नहीं बनाया, लेकिन अगर मैंने ब्रांड शुरू किया, ये होप नॉट आउट आपको नज़र आ रहा होगा, इसका जो भी हमें पैसे आते हैं हर चीज़ मैं फाउंडेशन से, इंडिविजुअल हेल्प नहीं करता, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हम करते हैं फाउंडेशन से, बड़े रेयर केसेस होते हैं जिससे हम फाउंडेशन से हैंडल करते हैं, लेकिन इसके जितने भी पैसे यूट्यूब के पैसे हो गए या ये पैसे जो भी पैसे हमें आते हैं मेरे पास आते हैं उनसे मैं इंडिविजुअल हेल्प करता हूँ लोगों। लास्ट टू क्वेश्चन, आपने कहा कि अगर सोना है फ्लाइट पर तो मिसबा के साथ नहीं बैठना चाहिए, क्यों? मिसबा ज़बरदस्त क्या लड़का है वो, और मेरे ख्याल में उसके साथ मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली है। करने का मतलब है कि अगर आपको नींद आ रही है और आप मिसबा से बात करना शुरू हो जाए तो फिर आप छोड़ दें कि आपको नींद जो है वो आप सो जाएंगे। व्हाट मेक्स लाला लाला? आवाम लोग। थैंक यू वेरी मच शाहिद अफरीदी साहब। थैंक यू वेरी मच, इट वाज लवली, थैंक यू सो मच।